हेलो गैस, तो ये देखो हो चुकी है रेडी और मैं भी हो चुका हूँ रेडी, लक्ष्य भी हो चुका है रेडी। बट इनको टाइम मैं बहुत तो लग गया रेडी। है, इनको इतना टाइम लग गया है कि जो हमारा बुकिंग टाइम था वो बस निकलने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं, आप भी बिजी थे। ठीक है दोस्तों, मैं कहाँ में बिजी था? मेरी मैं ऐसी हेयर स्टाइल मैं नहीं एक ही करना चीज में चाहती। बिजी था, जो एक ड्राइवर होता है जो गाड़ियां साफ करता है और मेरा पहले। लुक कैसा लग रहा है आप लोग बताना। मैंने ये वाली साड़ी वियर कर ली है क्योंकि फिर मैं जल्दी में कुछ लगाई नहीं, और ब्लाउज मैंने स्टिच किया है, इसकी फिटिंग हो नहीं पाई। और जल्दी जल्दी में अब थोड़ा सा लूज है, बट कोई बात नहीं है। और गले में मैंने ज्यादा कुछ नहीं पहना है क्योंकि ज्यादा तामझाम अच्छा नहीं लगता बाहर। और मंदिर जाएंगे लेकिन मंदिर बंद हो गया है, इसलिए अब हम शाम में जाएंगे मंदिर। अभी हम नहीं जाएंगे, अभी घर पर ही पूजा कर ली है हम लोगों ने। और मैंने इसका ओपन पल्ला रखा है। इसका लुक कैसा आ रहा है आप लोग बताने, साड़ी का लुक। और मैंने ये वाली सैंडल पहनी है, देख सकती हो आप, ये वाली सैंडल पहनी है। पर हेयर स्टाइल मुझे नहीं अच्छी लग रही है। हमें अच्छी लगनी चाहिए तुम्हारे। देखो, कपड़ा और पहनावा दूसरे की पसंद का, खाना खुद की पसंद का, अच्छा, ऑलवेज। ओहो, चलो। चलो तो ये है लक्ष्य का लुक, आप लोग देख सकते हो। और इस हुडी को मैं बहुत टाइम से बनाना चाह रही थी, बट ऐसा मौका ही नहीं मिल रहा था, तो फाइनली इसने फर्स्ट टाइम पहनी है। और मुझे भी पहननी थी ये। इसको भी पहननी थी। ये बोल रहा है कि जब बेबी हो जाएगी तो रक्षाबंधन पे मैं इसी को पहनूंगा। मैंने बोला बेबी रक्षाबंधन पे तो गर्मी रहेगी ना। चलो अब चलते हैं, बहुत लेट हो गया। अरे आप भी आ जाओ, अपना लुक भी दिखा मेरा दो। लुक अच्छा है। ओहो, अरे दिखाओ दिखाओ। तो देखो ये अच्छा, तो ये है इनका लुक, और मेरा लुक तो आपने देख ही लिया मेरा लुक कैसे ये। दिखा रही है, ऐसे ऐसे करके हाँ, मैंने कितने प्यार से अरे दिखाया तो ये है इनका लुक और मेरा लुक तो आपने देख लिया। और देखो, लक्ष्य हम यहाँ बैठा गंदे हुआ हैं, है। हम तो गंदे हैं। चलो चलो साड़ी देखो ये। लो, चलो बस बस, ज्यादा नहीं। तो फाइनली हम लोग निकल आए हैं। टाइम से थोड़ा लेट हो गए ना, थोड़ा सा जितना हमारा बुकिंग था उससे थोड़ा लेट हो गए हैं। और मंदिर हम शाम में जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया कि मंदिर हो गया था बंद, इस वजह से तो अभी शाम में ही जाएंगे। और शाम में भी बहुत सारे लोग जाते हैं, बट थोड़ा सा मेरा हो गया कि यार सुबह ही ठीक रहता, क्योंकि हर साल हम सुबह ही जाते थे। और मैंने ये वाले चूड़ा पहना हुआ है, काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाई थी। कल ही मैंने सोच के रखा था, बट कल फिर मैं थोड़ा बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, और रात में मेरी तबीयत हो गई थी खराब, तो सुबह के टाइम फिर मैं बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बट कोई नहीं। हाय लक्ष्य, बेटा मास्क निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मास्क लेके तो आई हूँ बट अभी मैंने पहना नहीं है क्योंकि मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी इस वजह से। और आप भी बोल दो हाय। हेलो। और इन्होंने साउंड चेंज करवाया है गाड़ी में, और मुझसे बोल रहे थे कि मैंने साउंड चेंज करवाया, बहुत अच्छा साउंड है। तो अभी मैंने तो ज्यादा सुना नहीं है, थोड़ा एक मिनट सुना था। और मैंने भी ज्यादा नहीं सुना, मैंने भी वहां से यहाँ तक आया था वही सुना। और आपने देखा होगा बहुत टाइम बाद हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, बहुत टाइम बाद, क्योंकि अब कहीं गए नहीं है ज्यादा दूर के सफर में, गए नहीं है तो अभी जा रहे हैं। हाँ, जब घर से आए थे ना तब से हम साथ में अभी जा रहे हैं, ये तो जा चुके हैं दो तीन बार। बार वो गाड़ी का वही कराने गया था तभी गया था। अच्छा, तो चलो चलते हैं। और काफी अच्छा लग रहा है, क्या बोलूं मैं। हमारी कौन सी एनिवर्सरी है? हमारी 11th एनिवर्सरी। और कल मैं इनसे ये बोल रही थी कि यार पता ही नहीं चला है, कल मैं मेहंदी लगवाने गई थी ना उस टाइम पे, यार पता ही नहीं चला 11 साल, मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 साल हुए अभी। मैंने क्या बोला था? इन्होंने ये बोला था कि तुम्हें क्यों पता लगेगा, तुम तो बिल्कुल मुझे परेशान कर लोगी जब तक मैं रो नहीं दूंगा। तो गलत, क्या क्या बोला गलत था, क्या बोला था आपने? मैंने बोला कि जो जिसको चूसता है ना उसको पता नहीं लगता है, क्योंकि उसको तो मजा आ रहा है ना। तो स्टेटस क्यों लगाए थे मेरे लिए ऐसे ही, एक डर नाम की चीज। मैंने कभी, भगवान कसम दोस्तों, मैंने इनको कभी नहीं बोला कि आप मेरे लिए स्टेटस लगाओ या आप मेरे लिए तारीफ में लिखो। बस मैं आप लोगों के सामने ही बोलती हूँ कि मेरी तारीफ कर दो तारीफ कर दो, पर मैंने ये कभी नहीं बोला कि स्टेटस लगा के सबको दिखाओ कि मतलब मेरी तारीफ करो करके। बट कोई नहीं, सच बता दो, आज तो दिल से बोल दो कि मैं आपको परेशान करती हूँ क्या? 11 साल कैसे बीते आपके? थोड़ा बहुत तो करती हूँ। अरे यार नहीं करती। चलो आज भी नहीं छोड़ रहे। चलो दोस्तों थोड़ा हम साउंड का मजा लें, और क्योंकि साउंड इतना महंगा डलवाया इन्होंने 20,000 रुपए का, तो कम से कम 15 मिनट तो मजा तो 15 मिनट तो मजा ले ही ले हम लोग। चलो मिलते हैं आपसे वहीं पहुंच के, ठीक है?
फाइनली हम लोग आ गए हैं। बहुत सुंदर लग रहे हो आज आप। मुझे हाँ इसलिए पहनने था क्योंकि इसका भी कलर ना मेरा फेवरेट। अच्छा ये कलर तुम्हारे पास था भी नहीं। एक शर्ट का है, शर्ट का तो है, शर्ट का बता ना, वॉच बता ना अपनी। वॉच भी मैचिंग की है, उसका बैग भी मैचिंग। हाँ वॉच भी मैचिंग कर गई। लेकिन आज कम भीड़ भाड़ लग रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि आज शायद सैटरडे संडे को ज़्यादा रहती है इस वजह से। एक्साइटेड, लक्ष्य की मम्मी इज एक्साइटेड। और यहाँ पे ना एक्चुअली ये दूसरा वाला लोकेशन है, हम पहले एक लोकेशन पे गए थे, वहाँ बहुत ही गंदा था सर्विस के मामले में। वो बंदे ने आके पहले पूछते हैं यहाँ पर आप लोगों से कि सर आपको पता नहीं है, तो हम पूरा बता देते हैं कि पहले यहाँ पर स्टार्टर्स आएंगे, फिर मेन कोर्स के लिए आपको जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो भी नियम है वो। तो मैंने कहा हम लोग आ चुके हैं तो वो मत बताओ। तो उन्होंने पूछा आपको मेरा पता है, मेरा फेवरेट क्या है, मतलब मैं कभी भी खाना पसंद करती हूँ, कभी भी जाना पसंद करती हूँ, तो बार वैक्सीनेशन है मेरा, क्योंकि वहाँ पर इनका ये फेवरेट स्पॉट हो गया है। और ये लोग पूछते हैं कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, वेज हो नॉन वेज हो, सारा कुछ पूछ के ही आपको देंगे। तो ऐसे ही रहता है लंच में तो। इनको मना है फिर भी पी रहे हैं, बताओ। मैं थोड़ी पीऊंगी। हाँ थोड़ी पीना, फिर मैं पी लूंगा सारी। आपकी अलग से है तो फिर इसको क्या फेंक के जाओगी? नहीं नहीं आप पी लेना, अब फ्री में क्यों छोड़े भाई, अब पैसे तो फ्री में भले ही मतलब नुकसान हो जाए, पर ये कैसी औरत है यार। थोड़ी 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 पीऊंगी। फेवरेट है स्वीट कॉर्न, बहुत ज्यादा फेवरेट है, और इसके भी फेवरेट है। और आपके हैं कि इनका पेट भर गया पर खाने नहीं। हाँ पर पता है क्या कि इन्होंने अभी वहाँ यहाँ वेटर से बात की, मैंने इन्होंने बोला बात कर लो, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग में दिखता नहीं है, तो अभी ये होम डिलीवरी भी कर सकते हैं ना स्वीट कॉर्न की, तो घर पर भी मंगा लिया करेंगे हम, है ना। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं मुझे बारबेक्यूनेशन के स्वीट कॉर्न, ही अच्छे लगते हैं। ये पूरा रेस्टोरेंट लेडीजों से भरा पड़ा है, आप देख सकते हो कितनी टोकटेप आवाजें आ रही हैं, लेडीजों की और हो रही है। ये इतना गा चुकी है कि ये देख लो क्या हाल हो रहा है। और ये पॉपकॉर्न की इतनी भूखी है, कुछ पूछो मत। पॉपकॉर्न की नहीं स्वीट कॉर्न इनका। हाँ मतलब वही स्वीट कॉर्न, ये इतना खा चुकी है वो स्वीट कॉर्न कि अभी भी इनको मन कर रहा है कि और खाऊं, पर पेट में जगह ही नहीं। इतना भी नहीं खाया मैंने, पेट के बराबर ही खा सकती, इतना क्या दो किलो खाऊंगी। मैंने इतने स्वीट कॉर्न खाए। तो मैं आपको बता देती हूँ, इन्होंने अपनी कोल्ड ड्रिंक फिनिश कर दी, लेकिन मैंने नहीं। मैंने क्योंकि इनको बोला है कि सिर्फ दो घूंट पियो, बाकी लक्ष्य पी लेगा। आपने नोटिस किया है मेकओवर वाले में मैंने इनसे बोला था कि मेरा जूता पानी पी लो, तो इन्होंने पिया नहीं था। और कोल्ड ड्रिंक कैसे पी ली? कोल्ड ड्रिंक बाहर से आती है, पानी पानी घर में था, क्या पता क्या है उसमें।
मेरा सारा पेमेंट ले ले। आज के दिन भी ऐसी बात करते हैं। एनिवर्सरी वाले दिन भी ये बंदा फोन पे लगा हुआ है अपने ऑफिस के काम में। हाँ, इतना वर्क लोड है। और ये कहाँ जा रहे हो बेबी? ये नूडल्स लेने जा रहा है, इसके बहुत फेवरेट है नूडल्स। क्या लेके आए हो ये? आइसक्रीम। तुम तो स्ट्रॉबेरी। ओके, तुम तो नूडल्स लेने गए थे ना? नूडल्स आइसक्रीम। ये उल्टा सीधा कुछ भी खाता है। तो करने में समय क्या है? चलो करने दो। फाइनली मैं यही हेयर स्टाइल करके आने वाली थी, बट इन्होंने मुझसे मना कर दिया था, तो फिर मैंने बालों को बांध लिया था और अभी थोड़ा अच्छा लुक आ रहा है। जिस दिन मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेती ना, मैं इनसे यही बोल रही थी, उस दिन ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। रियल में अच्छी लगती है, फोटो मेरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते हैं। वैसे एक बात बोल, ये बंदा बहुत अच्छा है। नहीं, सच में बहुत अच्छे हैं। ये मेरी तारीफ करे या ना करे, लेकिन मैं दिल खोल के तारीफ करती हूँ इनकी, बहुत अच्छे हैं। चलो खा लेते हैं। एक तो यहाँ पर ना पेट भर जाता है जल्दी, स्टार्टर से ही पेट भर जाता है, तो खाने के तुम ना शाम तक यही बैठो, वो खुद आके कहेंगे निकल गई हो कि हम बंद कर दें। लेकिन घर जाने के बाद भूख लगती है, फिर इसी की याद आती है। ऐसा करेंगे, नहीं उनसे उनसे स्वीट कॉर्न ना, हम ये बोलेंगे उनसे कि स्वीट कॉर्न हमने कम खाए हैं तो हम पैक कर दो घर के लिए। वो करेंगे, वो कहेंगे हमें यहाँ पे लेडीजों की कमी है तो वहीं पैक कर लें। ये खा रहे हैं खाना मुंह लटका के। क्या बात है, पेट भर गया क्या? तो आपका नहीं भरा ना? मेरा नहीं भरा, तो मैं तो आराम आराम से खाती हूँ बेबी। इसको आराम आराम से नहीं, रुक रुक के बोलते। हाँ, तो मैं रुक रुक के खाती हूँ ना। लक्ष्य कहाँ चला गया? तो ये गर्मा गर्म लेके आया, क्या नान लगवाई है आपने? ये लच्छा पराठा है, ये तंदूरी रोटी। ओके, नींबू इतने सारे? वो समझ गए, मेरे लिए भेजे उन्होंने। हाँ, अच्छा। अभी अनिल ने बोला है कि मैंने मूवी की टिकट बुक करा दी है और लक्ष्य अलाउ नहीं है क्योंकि लक्ष्य की वैक्सीन नहीं लगी, तो लक्ष्य को इतना गुस्सा आया और अभी वीडियो को देखते हुए ये शांत हो गया है। हमने ये बोला कि बेटा बच्चे अलाउ नहीं है, हैं? वैक्सीन ही नहीं लगी इसको, गुस्सा हो रहा है ये। मैंने इसको बोला तुम्हें चाबी दे देंगे रूम की, घर चले जाएंगे। और इसका वैसे भी एग्जाम है, कल कल एग्जाम है ना, तैयारी कर ली। और यहाँ पे किटी पार्टी चल रही है, इधर भी किटी पार्टी चल रही है, आप लोग देख सकते हो, और इधर भी आप लोग देख सकते हो, इधर भी चल रही है, सब जगह चल रही है। ये नॉन वेज है इधर, ठीक है, उधर है वेज। और तुम्हें क्या पेस्टी वेस्टी खानी है कि ये औरतों के लिए ही रखा जाता है, मर्दों के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। ये ले लो, ये चोकोलावा चॉकलेट ब्राउनी ले लो ना, ले लो पपीता खाने का मन नहीं, नहीं ब्राउनी ले लो।
बस ये सारी चीजें तभी अच्छी लगती है। ये ले लो, ये सारी चीजें तभी अच्छी। क्या है ये? तो खरबूजा है। खरबूजा भी नहीं खाते, वाटरमेलन का भैया होता है। कितने गंदे हो। कुछ नहीं, वाटरमेलन तो खा सकते हैं ना। ये लेना, ये नहीं लेना, टेस्ट करके देख लो। नहीं लेना यार। पेट बहुत ज़्यादा फुल हो चुका है। अनिल गए हैं मेरे लिए कुल्फी लेने के लिए और यहाँ पे चल रही है किटी पार्टी। काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। ये पान वाली आइसक्रीम खा रही हैं, जो ये गुलकंद है वो आइसक्रीम है, पान मिक्स। और अभी मांग ली है रबड़ी मलाई वाली कुल्फी। और मैं इनसे कह रहा हूँ यार जल्दी कर लो यार, ये टाइम पास कर रही हैं। तो यहीं रहो ना, मैं जा रहा हूँ फिर। और ये तो नूडल्स के पीछे पड़ गया है, दो तीन बार नूडल्स खा चुका है। और इसने ये क्रिस्पी कॉर्न भी मंगाए हैं फिर से। ये देंगे नहीं तुम यार, कितने बड़े वाले हो। ऐसे हमारे यहाँ तो शादियों में जब आते थे ना, तो जो पानी का गिलास होता है ना वो बच जाता था, तो ना उसमें लड्डू उसमें भर के ले जाते थे कुछ लोग। तो ये वैसी वाली है, तो मतलब हो ना तुम बेकार पर दिखावटी काम ज्यादा है। नहीं तो लड्डू तुम्हें पसंद ही नहीं है ना, ये तुम्हारी पसंद है। हाँ तो जो पसंद है वो ही लेगा ना आदमी। पैसे बहुत सारे लग रहे हैं, तो कोई फायदा। तुम तो भैया, तुम ना भाई बहुत ही बड़ी वाली हो। वो जाते जाते भी नहीं छोड़ रहे हैं और ये जाने का समय हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये म्यूट में जाएगा कि अनम्यूट में जाएगा, क्योंकि गाने बज रहे हैं और कॉपीराइट आ सकता है। जाते जाते भी पानी भी नहीं छोड़ रहे। फाइनली हम लोग आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। ये मूवी देखने की बोल रहे थे। फाइनली कैसे आते हैं ये बताओ। बट अब तुम तो फाइनली आ गई हो, सेमी फाइनली कैसे आते हैं ये बताओ। हर बात को पकड़ना है यार, तुम हर बात पे यही कहती हो, फाइनली हमने ये हो गया, फाइनली ये हो गया है। फाइनल कुछ नहीं होता, फाइनल उसको बोलते हैं उसके बाद फिर होना ही नहीं है। नानू को मास्क के ऊपर चालन तो नहीं कट जाएगा इधर? पता नहीं कटेगा, कोई नहीं लगाया मास्क, कोई भी नहीं लगाया। देखो कोई नहीं लगाया, इसका मतलब ये नहीं है कि चालान नहीं कटेगा। अब पता है इन्होंने मेरी हेयर स्टाइल ऐसी खराब करवाई, मुझे एकदम बंदवा दिया था, अभी ठीक लग रही हूँ मैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है आज, लेकिन भीड़ नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना हाईवे का। अच्छा, हाय लक्ष्य, निकाली नहीं मास्क। लक्ष्य मास्क किया, वो मास्क टोपा तो लेके आ गया, बोला मम्मा लेके जाऊंगा, बच्चों को रहता है ना थोड़ा शौक, इसलिए थोड़ा रहता है। हाँ, और कैसा लगा आज आपको?
आप बताओ, हमें तो अच्छा ही। अच्छा, आपका गिफ्ट पेंडिंग में दोस्तों, इनका इतना बहुत अच्छा गिफ्ट है, बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, बहुत महंगा गिफ्ट है, तो वो मैं जल्दी ही शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, इस वाले वीडियो में नहीं शेयर करूंगी। और हम एनिवर्सरी ऐसे ही एंजॉय किया हमने, है ना, मजा आ गया। लेकिन ऐसे ही कैसे करिए, मतलब समझ में नहीं। और क्या तुम्हें अब ऊल ब्लाउज दिखाऊं? ऊल ब्लाउज क्या होता है? ऊल ब्लाउज क्या होता है वो छोड़ो, तुम्हें क्या अब इन जालियों पर नचवाऊं? क्या करना है अब? इन्होंने होता है, इन्होंने मुझे बिल्कुल मना कर दिया है। कल इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है कि बिल्कुल भी डांस नहीं होगा अब, और बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब उसकी वजह से। डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, डांस ने साफ बोला है। कैसे? कि जब जो औरत झाड़ू पोछा नहीं लगा सकती, वो औरत डांस भी नहीं कर सकती। डांस कर सकती, झाड़ू पोछा में झुकना पड़ता है और डांस में उठना पड़ता है। फिर भी मैं लगा रही हूँ ना, मना किया है उसके बावजूद भी लगा रही हूँ ना। आप तो नहीं लगा रहे ना? मना करता हूँ, मत करो। अच्छा, डला रहने दो, डला रहने दो, 7 दिन में हम कर देंगे। ओ कोई बात नहीं दोस्तों, आज ही झाड़ू पोछा वाली बात नहीं करना चाहते हम, क्योंकि आज थोड़ा रानी जैसी फीलिंग है यार। ये क्या है, आज रानी जैसी फीलिंग मैं लाना चाहती हूँ। इधर से ले लो, इधर से ले लो, इनको रास्ता भी नहीं पता। देखो मैं दिखा रही हूँ, पहले बंद था, ये अब खुल गया है। ठीक है, नहीं ऊपर होके चले, ऊपर होके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पर ये वो है। चलो दोस्तों, हम सॉन्ग, तुम एक काम करो, तुम घर चले जाओ, मैं ऑफिस चला जाता हूँ। क्यों ऑफिस का? लैपटॉप तो लेके आए नहीं हो? लैपटॉप तो मैं बोल दूंगा, गार्ड को भेज दूंगा, गार्ड को तुम दे देना। इनकी ऑफिस यही है, आपको दिखा देती हूँ इनकी ऑफिस। तो यहाँ पे है इनकी ऑफिस, इसकी जस्ट पीछे वाली बिल्डिंग में ना, इसके पीछे काफी अच्छी है यार। हमने अंदर से नहीं देखी, लेकिन एक बात बताऊं, हाँ अभी यहाँ एक्सेंचर भी आ गई। एक्सेंचर भी आ गई यहाँ पे, इनकी पुरानी ऑफिस भी आ गई यहाँ पे। वाओ भैया, तभी लड़का भागता है। ऑफिस यहाँ नहीं आई है तो पुरानी कंपनी की ऑफिस यहाँ पे हो गई है। अच्छा, पुरानी कंपनी की ऑफिस हो गई है, ऑफिस तो वही है। मैं क्या बोल रही थी कि तभी लड़का इधर भागता है। भागता है मतलब? मैं ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है करके। ये थोड़ी मतलब है, आप रुक जाओ, आज मुझे नहीं ले चलो आप ऑफिस में, बोल देना एनिवर्सरी हमारी तो मैडम को छत से बाजीगर बना देंगे। हद हो रखी है।